श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो में सन्निधत्ताम सदा हृदि। आज 9वां श्लोक श्री स्तुति में हमें देखना है। श्लोक इस प्रकार है, त्वमेवाहु कतिचित परे त्वत्प्रियं लोकनाथम किं तैरंतःकलह मलिनैः किञ्चिदुत्तीर्यमग्नैः त्वत्संप्रीत्यै विहरति हरौ सम्मुखीनां श्रुतीनां भावारूढौ भगवति युवां दंपती दैवतं नः। त्वाम् एव आहुः कतिचित् अपरे त्वत्प्रियं लोकनाथं किं तैः अंतःकलहमलिनैः किञ्चित् उत्तीर्य मग्नैः त्वत्संप्रीत्यै विहरति हरौ सम्मुखीनां श्रुतीनां भावारूढौ भगवती युवां दंपती दैवतं नः। इस प्रकार पदच्छेद है। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है, कुछ लोग क्या कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, आप ही जगत कारणभूत तत्व हैं, आपसे उत्कृष्ट तत्व कोई तत्व नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं, आपके जो प्रियतम हैं भगवान श्री विष्णु, वही लोकनाथ हैं, उनसे अतिरिक्त कोई तत्व नहीं, ऐसा और कुछ लोग बताते हैं। अर्थात क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी को का परतत्व को स्थापित करके लक्ष्मी जी ही सब कुछ है, लक्ष्मी जी के बिना इस दुनिया की सृष्टि नहीं हो सकती है, लक्ष्मी जी सर्व समर्था है, उसमें सर्वभूतेश्वरत्व है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वो लक्ष्मी ऐसा तत्व को अपने साथ रखते हैं, स्वयं ही लक्ष्मी बन के रहते हैं और स एकाकी नरमते, ऐसा अकेले उनको पसंद नहीं है, इसलिए खुद ही एक लक्ष्मी तत्व के रूप से भी प्रकट हो जाते हैं, ऐसा भी कुछ लोग वर्णन करते हैं। अथवा आपके जो प्रिय प्राणनाथ, जो लक्ष्मी नारायण अर्थात नारायण तत्व जो है, वही सर्वश्रेष्ठ तत्व है, ऐसा और कुछ लोग कहते हैं। परंतु इस प्रकार अंतःकलहों की वजह से जिसका मन चंचल है अथवा मलिन हो गया है, और कुछ लोग क्या कहते हैं, लक्ष्मी तत्व को शास्त्र के मर्यादा के अनुसार स्थापित करने के बावजूद भी उनको जीव कोटि में प्रवेश कर लेते हैं, किंचित् उत्तीर्य मग्नैः ही, उनको उनकी इच्छा है लक्ष्मी तत्व को पृथक स्वीकार करना है, परंतु उनके लिए उनके पास सर्वभूतेश्वरत्व नहीं है और वो विष्णु परतंत्रा है, ऐसा कहकर फिर से डूब जाते हैं। ऐसे लोगों से किम तैही, ऐसे लोगों से क्या प्रयोजन है। वस्तुतः त्वत्संप्रीत्यै हरौ विहरति, आपकी जो आपका संतोष के लिए ही भगवान इतनी बड़ी बड़ी लीला को करते हैं, सृष्टि स्थिति संहार रूपी, जगत सृष्टि स्थिति संहार रूपी इतनी बड़ी लीला को करते हैं, ऐसा श्रुति नाम सम्मुखी नाम, जब श्रुतियां वेदवाक्य इस प्रकार कहते हैं, तब भावारूढ़ अर्थात इस प्रकार की श्रुतियों के भाव में आरूढ़ अर्थात रहने वाले दोनों युगल तत्व जो है, वही दंपति तत्व है, युवाम आप दोनों अर्थात लक्ष्मी और नारायण अर्थात लक्ष्मी जी की संतोष के लिए ही और भगवान सृष्टि स्थिति संहार रूपी लीला करते हैं, ऐसा कहने वाले श्रुतियों के भाव में आरूढ़ तव दंपति, जो दंपति हैं दोनों, युवाम आप दोनों दैवतम नहा, आप दोनों दंपति ही हमारे लिए दैवत है अर्थात मिलकर युगल देवता है, लक्ष्मी नारायणाख्य तत्व है, ऐसा कहने वाला ये श्लोक है।
त्वामेवाहु कतिचिदपरे त्वत्प्रियं लोकनाथं किं तैः अंतःकलहमलिनैः किंचिदुत्तीर्यमग्नैः। कितना भी लक्ष्मी जी का स्थापन भी करेंगे श्रुतियों के और शास्त्रों के आधार पर, परंतु बाद में जीवकोटि में प्रवेश कर लेते हैं, ऐसे लोगों को किंचिदुत्तीर्यमग्नैः शब्द से कहते हैं। त्वत्संप्रीत्यै विहरति हरौ सम्मुखीनां श्रुतीनां सम्मुखीनां श्रुतीनां श्रुतीनां सम्मुखीनां सम्मुखीनां श्रुतीनां। किस भाव के सम्मुख है श्रुति, किस भाव को कहने में तत्पर है श्रुति? आप दोनों युगल देवता हैं, दोनों मिलकर ही देवताएँ हैं। लक्ष्मी जी के लिए ही भगवान सृष्टि स्थिति संहार इत्यादि उनकी खुशी के लिए करते हैं, ऐसा बताने वाले श्रुतियों के भाव में आप दोनों मिलकर ही दंपति हैं, ऐसा श्रुति के आधार पर हम ये स्थापना करना चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर ही हमारे लिए दैवत हैं। ऐसा अन्वय इस प्रकार कहना है, भगवती कतिचित् त्वाम् एव अपरे त्वत्प्रियं लोकनाथम् एव जगत्कारणम्, ऐसा मन में रखना है। और आहुहु कहते हैं, अंतःकलह मलिनैः किंचिदुत्तीर्यमग्नैः तैः किम्, क्या प्रयोजन है इस प्रकार कहने वालों से? अर्थात लक्ष्मी तत्व को स्वीकार करने के बावजूद भी उनका सर्वेश्वरत्व नहीं है, ऐसा कहने वालों से क्या प्रयोजन है? त्वत्संप्रीत्यै विहरति हरौ सम्मुखीनां श्रुतीनां भावारूढौ, अर्थात आपकी प्रीति के लिए ही भगवान सृष्टि करते हैं, ऐसा कहने के तत्पर जो श्रुतियों के भाव में आरूढ़ द्यो दंपति युवाम नहा दैवतम, अर्थात त्वत्संप्रीत्यै विहरति हरौ सम्मुखीनां श्रुतीनां भावारूढौ दंपति युवाम नहा दैवतम, ऐसा अन्वय करना है। आखिर एक बार श्लोक को पढ़ लेंगे। त्वामेवाहु कतिचिदपरे त्वत्प्रियं लोकनाथं किन्तैरन्तःकलहमलिनैः किञ्चिदुत्तीर्यमग्नैः त्वत्संप्रीत्यै विहरति हरौ सम्मुखीनां श्रुतीनां भावारूढौ भगवति युवां दंपती दैवतं नहां। कवितार्किक सिंहाय कल्याणगुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांतगुरवे नमः।